नमस्कार। हिंदी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। मैं सत्येंद्र कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय आईटीआई मनकापुर। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक हिंदी की ही कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मैंने दिनांक 18/9/2009 को केंद्रीय विद्यालय नेपानगर में नियुक्ति हुई थी, मेरी नियुक्ति तो 27 नवंबर 2007 को हुई थी, लेकिन 2009 में मैंने इस कविता को लिखा था 18/9/2009 को, जो आपके सामने प्रस्तुत है। हिंदी को परिभाषित कर, हिंदी को परिभाषित कर, स्वयं में उसे अभाषित कर। कौन क्या और कब कहाँ, कौन कर, कौन क्या और कब कहाँ, उचित बिंदु पर समाहित कर। हिंदी को परिभाषित कर, खुद में उसे अभाषित कर। स्वयं को देख और पहचान, देश की तुम बन जा शान। स्वयं की देख और पहचान, देश की तुम बन जा शान। कलम से लिखकर समुद्र बना दे, कलम से लिखकर समुद्र बना दे, हर गहरापन मन में ठान। इन्हीं विचारों की अग्नि बनाकर, इन्हीं विचारों की अग्नि बनाकर, हिंदी को प्रज्वलित कर। हिंदी को परिभाषित कर, स्वयं में उसे आभाषित कर। हिंदुस्तान बना हिंदी से, खैर हिंदी, हिंदुस्तान शब्द उर्दू का है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश के लिए हिंदुस्तान भी बोलूंगा। हिंदुस्तान बना हिंदी से, भारत माँ की निर्मल बिंदी से। अंग्रेजी को भी साथ रख, पर हिंदी में जज्बात रख। अंग्रेजी को भी साथ रख, पर हिंदी में जज्बात रख। अपने सुंदर स्वच्छ विवेक से साथ उसे व्यवहारिक कर। हिंदी को परिभाषित कर, खुद में उसे आभाषित कर। गुलामी की छोड़ मानसिकता, अंग्रेजी की वो बृहद विभीषिका। समझ रहे होंगे, जो अंग्रेजी का रातों दिन बढ़ावा दिया जाता है एक गुलाम के तौर पे, कि हम अंग्रेजी बोलेंगे ही तभी हम अपने आप को सुदृढ़ महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हिंदी में भी कई ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो लोगों के लिए बहुत टफ भी होता है और शोभनीय होता है। वही है, गुलामी की तू छोड़ मानसिकता, अंग्रेजी की वो बृहद विभीषिका। जापान चीन रूस से सीख, जापान चीन रूस से सीख, उनके खुद के ज्ञान को सीख। संघर्ष के इस कठिन घड़ी में, संघर्ष के इस कठिन घड़ी में, फिर हिंदी को अवतारित कर। हिंदी को परिभाषित कर, स्वयं में उसे आभाषित कर। कौन क्या और कब कहाँ, कौन क्या और कब कहाँ, उचित बिंदु पर समाहित कर। हिंदू को परिभाषित कर, खुद में उसे आभासित कर। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।